और फिर लोगों से और कॉरपोरेट कंपनियों से इनको हम फंडिंग फैसिलिटेट करते हैं, क्योंकि हमें इन संस्थाओं में विश्वास होता है। यही हमारा मतलब एक एफर्ट रहा है पिछले 6 सालों में, और करीबन हमने 400 करोड़ रुपया फैसिलिटेट किए हैं 100 एनजीओस के लिए पिछले 6 सालों में। और इस साल से हमने जनरल मेंबरशिप भी खोला है ताकि और एनजीओस हमें ज्वाइन कर सकें। इस देश में जब भी कुछ गलत होता है तो हम बोलते हैं सब मंत्री मतलब बेकार हैं, सब करप्ट हैं, ब्यूरोक्रेट्स करप्ट हैं। जब हम पकड़े जाते हैं ट्रैफिक लाइट में, 50 रुपए देंगे हवलदार को और निकल जाएंगे, ये नहीं सोचेंगे कि पर्ची लेना चाहिए। तो हमारा यही मानना कि नागरिक जो है वो सबसे करप्ट है, और हमारे करप्शन के वजह से ये जो लोग हमने मतलब चुने हैं नेताओं के हिसाब से या पॉलिटिशियन जो है, इनको तो पब्लिक सर्वेंट होना चाहिए, पर ये समझते हैं कि हमें रूल कर रहे हैं। तो ये हम इसी हिसाब से हमने मतलब सिटीजन एक्शन और एक्शन अगेंस्ट एपथी जिसे कहते हैं वो प्रमोट करने की कोशिश की है कि हम नागरिक जो है हमें देश के लिए कुछ करना चाहिए, सिर्फ यही नहीं सोचना चाहिए कि देश हमारे लिए क्या क्या कर रहा है। और इसीलिए हमने 6 साल पहले एक अवार्ड इंस्टीट्यूट किया था, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी जुड़ा हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट भी जुड़ा हुआ है, और काफी एसोसिएशन है टिस से लेके नैस्कॉम फाउंडेशन तक और पीएचडी चेंबर्स वगैरह सब जुड़े हुए हैं, जीटीसी है, स्विस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। और इस अवार्ड का नाम हमने रखा है कर्मवीर पुरस्कार। ये सिविलियन अवार्ड है, ये लोगों की तरफ से दिया जाता है, सिर्फ लोगों को, किसी कंपनी को नहीं दिया जाता, किसी एनजीओ को नहीं दिया जाता, लोगों को दिया जाता है कि आपने भैया क्या किया है देश के लिए या समाज के लिए, आपने कुछ किया है अपने तरफ से, तब आप कुछ बोल सकते हो कि मतलब मैंने भी कुछ नेशन बिल्डिंग या देश को मतलब प्रोग्रेस कराने के लिए कुछ किया है। कर्मवीर पुरस्कार जो है ग्लोबल अवार्ड है आज के तारीख में, पहले हमने नेशनल अवार्ड के साथ स्टार्ट किया था, पिछले 2 सालों से हम ग्लोबल सिटीजन्स को भी देते हैं, और ये अवार्ड हम हर साल 26/11 को देते हैं, यानी कि 26th of November 2008 में क्या हुआ था आप सबको पता है, बॉम्बे में टेरर अटैक हुआ था, और हम उस वजह से 26/11 को नहीं देते हैं, हम 26/11 को इसलिए देते हैं कि 26/11 1949 में हमने एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रीएम्बल अडॉप्ट किया था नागरिक होने के हिसाब से कि, और अगर वो प्रीएम्बल हम अगर पढ़ेंगे और आंख बंद करके सोचेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि हमें हमारे राइट्स के अलावा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है जो देश में कुछ करना चाहिए। यही नहीं कि हम अपने फैमिली और परिवार के लिए पैसे बनाएं, पर यह भी सोचना चाहिए कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं जो कल के फ्यूचर जनरेशन के लिए मतलब अच्छा देश हम छोड़ के जा सकते हैं। हर साल 26/11 को हम गांधी दर्शन सत्याग्रह मंडप में देते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि आज जो है एक नया मतलब सत्याग्रह बेसिकली बेस्ड ऑन अ वेरी ओल्ड सेइंग, बहुत ही पुरानी कहावत है कि इट इज बेटर टू लाइट अ कैंडल देन टू कर्स द डार्कनेस, अंधेरे से शिकायत से करने से अच्छा है कि हम मोमबत्ती जला के उजाला कर रहे हैं। और यही हम अवार्ड दे रहे हैं डॉक्टर मलिक को, और साइटेशन पढ़ेंगे डॉक्टर मलिक। सिविल सोसाइटी कर्मवीर पुरस्कार for education, health and empowerment 2010. Kirochandra Malik founded Vishwa Bharat Integrated Society. Facing poverty through sustainable livelihood measures and educating and capacity building of the people. These social security measures using the self-help model have brought about a vast difference to the lives of more than 5 lakh families across the country. Program areas include community organization, education, health, sponsorship, microfinance and microenterprise, networking, study, survey, research and development. He has participated in various projects for social change, both nationally and internationally.
Kirod has provided his technical knowledge and expertise to several agencies, including NABARD, Ministry of Health and Family Welfare, National Commission for Women, UNICEF, ASHA for Education, USA, Helpage India, amongst many others. He is the recipient of several awards, including the Rashtriya Uddog Samman Puraskar, Lifetime Achievement Award for Social Development, Bharat Jyoti Award, and Hong Kong 2008 Achievers.